अमरावती की सांसद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल तो हो गई, लेकिन उनकी चुनौतियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कड़ू ने उन्हें हराने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच उनकी जाति सर्टिफिकेट वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा की वजह से उद्धव ठाकरे की पुलिस ने जेल में डाल दिया था, उसी नवनीत राणा को बीजेपी ने हनुमान जी की प्रतिमा देकर पार्टी में शामिल कर लिया। बुधवार की रात अमरावती की निर्दलीय सांसद आधिकारिक तौर पर अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार हो गए, तो क्या उन्हें उद्धव ठाकरे से लोहा लेने का इनाम मिला? हनुमान चालीसा प्रकरण से पहले ही निर्णय हुआ था, सोचा था आपने या अभी तुरंत का डिसीजन? मैं बहुत अनपॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ काम करना जानती हूँ और मुझे ये मालूम है कि मैंने जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से काम किया है और देश के प्राइम मिनिस्टर जी जो मट्टी से जुड़कर यहाँ तक आए हैं, जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रगल करके आज प्रधानमंत्री जी बने, तो उनको उस कार्यकर्ता की पहचान अच्छे से है। तो मुझे लगता है कि जो कार्य मैंने पिछले 5 सालों में पार्लियामेंट में किया है, तो उसका ही ये सब आशीर्वाद मुझे मिला है। नवनीत राणा के बीजेपी में आने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी है। अमरावती में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन उनके आने से सहयोगी पार्टियों के नेता नाराज हो गए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कड़ू कह रहे हैं कि उन्होंने नवनीत राणा को हराने की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल विश्वास की तो बातें दूर है, पूछा भी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से हम तो राणा को गिराएंगे, वो जो गिराएगा उसको, वो चाहे आघाड़ी का हो, वंचित का हो, या एमआईएम का हो, उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो खुद का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और इतनी लाचारी अगर कार्यकर्ता को करनी पड़ती है तो नेताओं ने सोचना चाहिए, बल्कि इसने कुछ काम तो किया नहीं, इसके खुद के केस के लिए इसे। वहीं शिंदे गुट के आनंद राव अटसुल कह रहे हैं कि अमरावती से नवनीत राणा की हार तय है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। का कुआं होता है ना, हाँ। इसमें क्यों सर, क्यों सर, ऐसा क्यों कहना है आपका? पूरा विरोध उधर है, केस उसके आगे जाने वाली है, हाँ। तो फिर गिरी, कैसा चुनाव लड़ी? तो आपको लगता है वहाँ से जीत पाएंगे सर? कैसी नहीं, सब विरोध है, उनके खुद पार्टी का विरोध है। लेकिन आप ही के महायुति के तो लोगों ने डिसाइड किया ना? महायुति ने नहीं डिसाइड। नवनीत राणा कह रही है कि मोदी जी के लिए हर किसी को एक मंच पर आना होगा। विरोध हो रहा है, कई सारे लोग आप ही के जो आपके जो नेता हैं, अब तो आप बीजेपी की हैं, तो बीजेपी के ही गट नेता कई सारे जो हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं। बच्चू कड़ू का नाम, आंद्रा अडसुल का नाम, तो ये सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपके साथ रहेंगे या इनका भी विरोध आपको, मतलब बाकी पार्टियों के साथ साथ इनका भी विरोध आपको सहना पड़ेगा? जब आप एक आधे क्षेत्र में काम करते हैं, सो बेटर पर्सन गेट्स अ कॉम्पिटिशन तो रहना चाहिए, अच्छा भी रहता है। जब कंपटीशन रहेगा तो आप और निखर के आओगे।